ना बन पाए, सूर्य नमस्कार कर ले, जो जवान है वो दंड बैठक लगा ले। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन आदि योगाभ्यास यथाशक्ति कर ले। जिसको सूर्य नमस्कार करना है 10-20 बार से शुरू करके 25-50 बार सूर्य नमस्कार कर लिया, सुबह सुबह भोर में, ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातः काल, ऐसा नियम बना ले कि मुझे 25-50 बार सूर्य नमस्कार करना है। लगभग 20 मिनट का तेज व्यायाम सबके आरोग्य के लिए आवश्यक है, जो जैसा करता है। और एक एक अभ्यास, सौ सौ बार से लेकर के आप 1,000 बार तक कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुरूप। शत सहस्र साधना, संख प्रक्षालन में तो ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन ये करवाते ही सुबह उठ करके गर्म पानी पी ले और ये अभ्यास कर ले तो पेट अच्छे से साफ हो जाएगा, डाइजेशन अच्छा, पाचन तंत्र अच्छा। कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को फिर दोनों हाथ सामने और छाती जितना फांसा। कुछ भी नहीं हो पाता है कठिन व्यायाम तो सूक्ष्म व्यायाम का, बैठ करके, खड़े होकर के। लंबे लंबे श्वास के साथ। अब जिनको अर्थराइटिस है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, एक एक अंग प्रत्यंग जिनका बेकार हो चुका है, खराब हो चुका है, जाम हो चुका है, स्टिफ हो चुका, ब्लड का सर्कुलेशन वहां कम हो चुका, नमनेस, न्यूरोपैथी, फ्रोजन शोल्डर, तो 100 बार जब ऐसे कंधों को घुमा लेंगे लंबे लंबे श्वास के साथ, एकाग्रता, प्रसन्नता के साथ, एक अनुष्ठान की तरह, गुरु और भगवान की शरणागति के साथ, भजन के साथ, लगन के साथ, कीर्तन के साथ, जब आप ऐसे योगाभ्यास करते हो तो अपने आप भीतर से रूपांतरण होगा। तो एक तो सुबह सुबह सूक्ष्म व्यायाम, योगिक व्यायाम, सूर्य नमस्कार अथवा दंड बैठ, जिसको जो अभ्यास करना, एक बार लगन के साथ
नियम के साथ कि मुझे करना ही है। देखो जो हम बार बार करते हैं वो बन जाता हमारा स्वभाव, जो बार बार करते हैं क्या बन जाता बोलो, वो हमारा बार बार जो देखते हैं जो सुनते हैं जैसा बोलते हैं जैसा खाते पीते हैं जैसे जीते हैं। योग करने का स्वभाव बने, लंबे लंबे श्वास, ताड़ासन कर लीजिए, तिर्यक ताड़ासन कर लीजिए, आपसे नहीं हो पा रहा है तो व्यायाम करने का स्वभाव बने। आराम आराम से ताड़ासन कर ले, तिर्यक ताड़ासन कर ले, यदि आपसे सूर्य नमस्कार नहीं बन पा रहा है तो ये कर लीजिए ना, इसी को 10-20 बार कर लीजिए, 25-50 बार कर लीजिए, ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन कट चक्रासन, बहुत विकल्प है आपके 50 से ज्यादा विकल्प है व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम, यौगिक व्यायाम, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, 50 से ज्यादा व्यायाम विकल्प है, लेकिन करना है। ये सूर्य नमस्कार हुआ, सूर्य नमस्कार और दंड बैठक भी हम बहुत तरह के करवाते हैं, उसमें कम से कम एक ही साधारण दंड, साधारण बैठक, ये साधारण बैठक होता है, ऐसे थोड़ा थोड़ा तो सब कर सकते हैं, पूरा करना चाहें तो ऐसे हो जाता है। पांच से दस बार से शुरू करते हैं और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते जाए। बैठ जाओ, अब उल्टे लेट करके, एक तो साधारण दंड हो गई, ऐसे कर सकते हैं, एक श्वास में एक अभ्यास, जो ऐसे नहीं कर सकते वो ऐसे लेट जाओ, सब ऐसे लेट जाओ, बैठे ना रहो, सब उल्टे लेट जाओ, तीन विकल्प है इसमें, मकर आसन, भुजंग आसन और दंड, तीन में से कोई भी एक अभ्यास कर ले। देखो छोटी छोटी बातें हैं और छोटी छोटी बातों में बड़ा बड़ा समाधान है, छोटी छोटी बातों को हम इग्नोर करते हैं, मकर आसन, भुजंग आसन, करो सब लंबे गहरे श्वास, सबको करना, मान्य, मध्यम या तीव्र गति से, गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार कर लेना, अपने सामर्थ्य के अनुसार कर लेना, ऐसे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार
यथाशक्ति 10-20 बार से शुरू करके 100-100 बार तक, 10-10 के 10 राउंड कर लिए तो हो गया 100 बार। अब ऐसे तो अब पूरे योगाभ्यास के दरमियान, अब बात छोटी सी है, पूरे योगाभ्यास के दरमियान आप बंध लगा सकते हो। मूल बंध तो शुरू से ही आपने 5 बजे योगाभ्यास शुरू किया और 8 बजे तक मेरे साथ करते रहे, अथवा कुछ तो 9 बजे तक करते हैं जिनको ज्यादा बड़ी बीमारी, मूल बंध लगा के किया। मूल बंध लगाने से यूट्रस ओवरी का प्रोलैप्स होना, अब जिनको कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, अब कोलाइटिस की प्रॉब्लम के लिए मैंने 5 बड़े बड़े उपाय बताए। थोड़ा कपाल भाते कर लीजिए, आप कपाल भाते करते करते भी देखो, कुछ मूल बातें बता रहा हूं। भस्त्री का कपालभाति, भस्त्री का कपालभाति और बाह्य प्राणायाम, बाद में उज्जाय अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत सब कुछ करवाएंगे। अभी भस्त्री का कपाल भाति या अनुलोम विलोम करते करते कुछ मूलभूत बातें सुन लीजिए जिनको आप इग्नोर करते हो। करो, सब करते रहो, मूलबंध पूर्वक करो। मूलबंध पूरे अब योगाभ्यास के दरमियान किया जा सकता है। मूल बंध आप दिन भर कर सकते हो, इससे कोलाइटिस जो दुनिया में असाध्य रोग माना जाता है, IBS जो असाध्य रोग माना जाता है, लेडीज को वाइट डिस्चार्ज, पुरुषों को स्वप्न दोष से लेकर के धातु रोग से लेकर के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स से लेकर के और तमाम तरह के यौन रोगों से लेकर के अनियंत्रित यौन इच्छाओं से लेकर के शरीर के शक्ति के क्षय से लेकर के निस्तेजता से लेकर के लो इम्यूनिटी से लेकर के बहुत तरह की प्रॉब्लम है। पायस फिसर फिस्टुला, और भी बहुत तरह की चित्त की अशांति, शक्ति जब अधोगामी होती है तब बहुत तरह से आपकी ऊर्जा का, ओज का, शौर्य का, वीरता का, पराक्रम का, तेजस्विता का, धैर्य का क्षय होता है। मूल बंध लगाने से मलमूत्र के त्याग के समय को छोड़ करके और निद्रा के समय, क्योंकि उस समय आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाते हैं और कम से कम शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता, निद्रा में भी मन पर विचार भाव संवेदनाओं पर नियंत्रण रख सकते हो आप, वो एक दूसरा विषय है। खैर, मूलबंध लगाओ, कोलाइटिस मिटाओ, यूट्रस ओवरी का प्रोलैप्स होना मिटाओ, धातु रोग मिटाओ, IBS की प्रॉब्लम, पायस फिसर फिस्टुला की प्रॉब्लम मिटाओ था, और मूलबंध लगाने से अपने आप को ऊर्ध्वरेता बनाओ। ये दिन भर कर सकते हो आप मूलबंध, फिर साथ में बाह्य प्राणायाम जब ज़्यादा प्रॉब्लम है, धातु रोग की, यूट्रस ओवरी के प्रॉब्लम्स की, उधर लोगों की ज्यादा समस्या है, तो ये बाह्य प्राणायाम शरीर के शुद्धिकरण के लिए, शरीर इंद्रियों और चित्त के अंतःकरण के शुद्धिकरण के लिए
मूल बंद उड्डयन बंद जालंधर में, जालंधर में जब भी ब्रेथ को होल्ड करना हो तो कर। अब छोटी छोटी बात, जो जालंधर बंद लगाएंगे जिंदगी में कभी उनको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी। बात छोटी सी, जो उड्डयन बंद लगाएंगे जिंदगी में उनको कभी भी डायबिटीज की समस्या, फैटी लीवर, यूट्रस के फावर्स, ओवरी के सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, बात छोटी सी, लेकिन ये 7 से 11 बार कर लेना बाह्य प्राणायाम। जो बाह्य प्राणायाम करेंगे उड्डयन बंद लगाएंगे उनको कभी भी कोई पाचन तंत्र का रोग नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, इंडाइजेशन, IBS, वाइस फिशर, फिस्टुला, अपचन और जितने भी प्रकार के ये जो डेफिशिएंसीज होती है, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई और छोटे छोटे न्यूट्रिशंस, माइक्रोन्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होता, जो आप खाते हैं वह आप पचा नहीं पाते। बात छोटी सी आपको लगती है। अब इसके लिए जरूरी है कम से कम 1 घंटा धूप में बैठना है। जो 1 घंटा धूप में नहीं बैठेगा उसकी बायोकेमिस्ट्री गड़बड़ होने वाली है। ये कुछ बड़ी बातें, चाहे कोई कितना ही बड़ा योगी हो, कितना ही बड़ा फकीर हो, वजीर हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी, जो 1 घंटा धूप में नहीं बैठेगा, और उसमें शर्त है सुबह सुबह की धूप होनी चाहिए, उसमें शर्त है बदन पर लगनी चाहिए। अब ये पुरुष तो मेरी तरह से नंग धड़ंग होते हैं, कहीं पर भी लंगोटी बांध के बैठ गए, समस्या महिलाओं की है। उनको जो भी उपाय करना पड़े, छत के ऊपर बैठें, बालकोनी में बैठें, घर का दरवाजा खोल के जिधर से धूप आती हो कुछ भी ऐसा प्रबंध करके बैठें कि कम से कम वस्त्रों में शरीर पर नंगे बदन धूप लगनी चाहिए, उससे विटामिन डी मिलेगा। विटामिन डी जैसे ही ठीक होता है तो B12 भी अपने आप ठीक होने लगता है, कैल्शियम एब्जॉर्ब होने लगता है, फिर आयरन भी उनके शरीर में डाइजेस्ट होने लगता है। अब देखो, यदि 1 घंटे के सूर्य की धूप मिलेगी तो विटामिन डी पूरा मिल जाएगा। सामान्य आहार से ही आपको B12, बी कॉम्प्लेक्स पूरा मिल जाएगा। जो सामान्य आप दूध आदि लेते हो, चौलाई, जो सिंघाड़ा, रागी, गेहूं, बाजरा, मोटे अनाज, मिक्स अनाज खाते हो उससे आपको कैल्शियम पूरा मिल जाएगा। जो शाक सब्जियां खाते हो उससे अनार पूरा मिल, अनार, गाजर, चुकंदर, मुनक्का, अंजीर तो बोलते ही हैं। सामान्य रूप से जो शाक सब्जियां खाते हो, या मैं अक्सर बोलता हूँ आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि का जो सुबह सुबह आप जूस पीते हो, इससे आयरन की भी पूरी पूर्ति हो जाती है और भी बहुत से पोषक तत्व आपको पूरे मिल जाते। लेकिन एक धूप में बैठना पड़ेगा। धूप में नहीं बैठे तो बहुत सारी चीज़ें आपके भीतर गड़बड़ होनी शुरू हो जाएंगी। बात छोटी सी है कि धूप में बैठने से क्या होगा, धूप में न बैठने से बहुत तरह का आपके भीतर ही घोटाला हो जाता है। मूल बंद हमेशा लगा रह सकता है। जैसे अभी मैं योगाभ्यास कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मैंने योगिक जोगिंग किया, सूर्य नमस्कार किया, दंड बैठक लगाए, सूक्ष्म व्यायाम किया, अभी प्राणायाम कर रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, तो मूल बंद लगा हुआ है। ऐसी ऐसी भाव चेतना बन जाती है, इस तरह का अभ्यास बन जाता है जो बार बार करते हैं। एक मैंने सूत्र दिया है, वो अभ्यास बन जाता है, करते रहो सब। लय के साथ करो, कुछ बीच बीच में खंडित कर देते हैं। योग साधना आपकी
खंडित नहीं होनी चाहिए, अखंड योग साधना। बात छोटी सी, चलो अब अगली बात बताता हूं। अखंड योग होना चाहिए, बीच बीच में छोड़ देते हैं। रिदम प्रवाह गंगा की तरह, सूर्य चंद्र की तरह, ऐसा होना चाहिए योग का प्रवाह, बहे जा रहे हैं अनंत की ओर, चरैवेदी चरैवेदी। कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ, योगासन प्राणायाम ध्यान भजन कीर्तन एकाग्रता प्रसन्नता सहजता, ये आपकी बाधित नहीं होनी चाहिए। अभी थोड़ा सा संकेत किया आपको, अब जरा और गहरे सुन लो। दो शब्द बोल रहा हूं फिर इसका अर्थ समझाऊंगा, करीब 5-10 मिनट लगेंगे। शत साधना सहस्र साधना, शत साधन सहस्र साधन योग। यो तो कोई भी काम करते हैं उसमें भी सैकड़ों बातों का ध्यान रखना पड़ता है। मैंने एक शब्द कई बार प्रयोग किया है, आप कितना गहराई से सुनते हो ये आपकी भाव चेतना पर, आपकी संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। जीवन के योग के अनंत घटक है, अनंत। चलो पैर सामने खोल, जीवन के जगत के किसी भी कार्य के अनंत पहलू हैं, अनंत अनंत। अब उसमें कुछ बड़े पहलुओं पर तो ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे किसी को मोटापा कम करना है तो 100 बार ऐसे करना पड़ेगा, 100 बार तक, 100 बार से लेके 200 बार तक। अब खाली ऊपर ऊपर से नहीं करना, प्राणायाम के साथ। अब करने में देखो, करने में भी 10 चीजें हैं। अब इतनी बातें बताऊं तो बहुत वक्त लग जाता है एक एक तत्व को गहराई से समझने समझाने के लिए, करने कराने जीने के लिए। अब कुछ तो ऐसे ही करते हैं, अत्यंत धीमी गति से भी नहीं करना। दीर्घ सूत्रिता अच्छी नहीं होती, जल्दबाजी भी अच्छी नहीं होती है, इसलिए बात कही जाती है सहजता के साथ करो, समता के साथ करो, यथाशक्ति करो, कुछ अपना बचा के मत रखो। किया करो, लंबे लंबे श्वास ऐसे 100 बार तक करो, प्राणायाम के साथ करो, ध्यान के साथ करो। अब ध्यान के भी कई चरण, सबसे पहला चरण जीवन मुक्त होना, ये ध्यान का सबसे बड़ा सत्य, अर्थात रोग से, सब प्रकार के दुखों से, विकारों से, क्लेशों से अपने आप को मुक्त अनुभव करना। करते रहो, मैं रोग मुक्त हूं, मैं स्वभाव से रोगी नहीं योगी हूं। मेरे साथ बोलो, मैं स्वभाव से रोगी नहीं योगी हूं। अब हम रोगी माने बैठे रहते, उन्हें समझी क्या करें, मोटापा है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, अर्थराइटिस, अस्थमा है, सेलियमस, ऑटोमेन डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, इनकेरेबल डिजीज, कैंसर जैसे रोगों से हम घिरे हुए, और आप कहते हो मैं स्वभाव से रोगी नहीं योगी। मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, जो तुम अनुभव कर रहे हो वो गलत है। कहेंगे स्वामी जी, हम जो अनुभव कर रहे हो तो सही है, उसको गलत कैसे कर रहे हो? जो तुम्हारे भीतर रोग हुआ है वो तुम्हारी मूल प्रकृति नहीं है, वो विकृति है, उसको तुम हटा सकते हो लंबे लंबे श्वासों के साथ। जब तुम योग साधना करोगे,
सारे रोग, सारे विकार, सारे क्लेश हट जाएंगे। तुम योगाभ्यास करते समय सब रोगों से, सब विकारों से, सब क्लेशों से, करते रहो, सब वासनाओं से, सब दुख दारिद्र्य से अपने आप को मुक्त अनुभव करना। दूसरा अभ्यास चलो। आप कहेंगे जी हम मुक्त तो है नहीं। अरे तुम मुक्त ही हो, मेरे साथ बोलो, अज्ञान से बोलो, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, प्रमाद से, अनुत्पादकता से, आत्मग्लानी से, आत्मविस्मृति से अपने आप को मुक्त अनुभव करना। सदज्ञान से, सद्भावों से, सद्गुणों से, सद्गुरु से, परम गुरु परमेश्वर से, योग से युक्त अनुभव करना। अभी देखो लंबे लंबे श्वास, बात छोटी सी है। हम सदज्ञान से, सद्भावों से, सद्गुणों से, सद्गुरु से, उस परम गुरु से, परम तत्व से युक्त रहे, योग से युक्त रहे, रोग से मुक्त अनुभव करें। और ये आप देखना, सारे रोग एक दो दिन से लेकर के अधिकतम एक दो सप्ताह और एक दो महीने के मेहमान हैं, सबकी विदाई होने वाली है। ये मैं आपको कह रहा हूं और ये करके कह रहा हूं, ये कोई भाषण नहीं दे रहा हूं। सारे रोग जिनको लेकर के तुम बैठे हुए और ये सोच रहे हो कि इनके साथ तो अब सगाई ब्याह हो गया, इनके साथ तो अब ऐसा संबंध जुड़ गया, डॉक्टरों ने भी कह दिया है, ये तो ता जिंदगी रहेंगे। क्यों भाई ना, यदि रोग हमारा स्वभाव होते तो स्वामी रामदेव भी रोगी होते, यदि रोग हमारा स्वभाव होते तो बच्चों, जवानों, बुजुर्गों से लेकर के सबको सब रोग होने चाहिए थे। रोग मेहमान है एक दो दिन से लेके, यहां से यात्रा शुरू होती है, एक दो दिन, सप्ताह और माह, बस इतनी सी कहानी है। और इसी में तुम मरे जा रहे हो और कहते हो मैं पढ़ा लिखा हूं। पढ़े लिखे मूर्खो, नहीं आप नहीं हो, किसी और के लिए कह रहा था कल, आप तो अच्छे हो, लिटरेट इडियट्स, क्यों पागल हो रखा है, जो तू है नहीं वो माने बैठा है। और ऋषि जगारे तत्त्वमसि प्रज्ञानं ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम, शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, तू नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप है। बावले गोल गोल घुमाओ बावली, चुपचाप मत बैठ, बावले हो रखे, बाबा जी मर गए उभार लो, अरे मैं तो उभार लूंगा, गोल गोल घुमाओ 100 बार करना पड़ेगा लेके। बड़ा बाबा जी टारगेट बड़ा लंबा देते हैं, इतना तो करना पड़ेगा, फिर से करो। योगासन, प्राणायाम, ध्यान, भजन, कीर्तन, प्रसन्नता, आनंद के साथ करो। चलो भजन करा देते तो फिर अगली बात बताएंगे, अभी जितना बताया ये याद रखना, भूलना नहीं। बहुतों का डाइजेशन इतना वीक है, कोलाइटिस हो जाता है, तो ऊपर से खाते, एक बार खाते 5 बार जाते ऐसी बहुत लंबे लंबे श्वास। चलो भजन के साथ, कीर्तन के साथ, लगन के साथ, एक अनुष्ठान से मैं कहता हूं करते करते तुम वात पित्त कफ का तो बैलेंस बना ही लेते हो, सत्व रजस तम का तो संतुलन बना लेते हो। अरे करते करते तुम देहातीत गुणातीत भावातीत हो जाते हो, ये है योग की स्टेज ऑफ, स्टेट ऑफ माइंड, ये है योग की स्थिति, गुणातीत होकर के भावातीत होकर के। ऐसे ही उलझन उलझन से में, गफलत गफलत से में जीते रहते हो जिंदगी को।
चले रे धारा ओ गंगा चले चले रे धारा चंदा चले चले रे तारा तुझको चलना होगा तुझको चलना होगा तुझको चलना होगा तुझको चलना होगा चले रे धारा चंदा चले चले रे तारा तुझको चलना होगा तुझको चलना होगा तुझको चलना होगा तुझको चलना होगा तुझे चलना होगा गलना होगा तपस्या करनी पड़ेगी तेरे को गला देंगे तो आदमी है लोहा गल जाता है 700 डिग्री का 800 डिग्री का टेम्परेचर तो पानी की तरह बहने लगता है जैसे चाहो वैसे शेप दे लो तुम अपने जीवन को अपने तन मन को जैसा चाहो वैसा आकार दे सकते हो अपनी प्रतिमा खुद गढ़ते हो चलो लंबे लंबे श्वास जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है आंधी से तूफान से डरता नहीं है आंधी से तूफान से डरता नहीं है तू न चलेगा तो चल देंगी राहें ओ तू न चलेगा तो चल देंगी राहें मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें तुझको चलना होगा तुझको चलना होगा तुझको चलना होगा तुझको चलना होगा ओ गंगा चल चले रे धारा चंदा चल चले रे तारा तुझको चलना होगा तुझको चलना होगा लेट जाएंगे एक एक पैर से दोनों पैरों से ये रोगों का विदाई समारोह मैं रोज मनाता हूं की इच्छा शक्ति प्रबल है आपने अलग अलग सेक्टर्स में यह शब्द सुना होगा पॉलिटिकल विल स्पिरिचुअल विल राजनीतिक इच्छा शक्ति आध्यात्मिक इच्छा शक्ति किसी भी काम को करने के लिए संकल्प से ही सिद्धि तक पहुंचते हैं लंबे लंबे श्वास खेती में बिजनेस में व्यापार में धर्म में अध्यात्म में राजनीति में शिक्षा में स्वास्थ्य में जीवन की जिस भी पायदान पर तुम खड़े हो जिस भी उत्तरदायित्व में तुम प्रकृति परमेश्वर के द्वारा नियुक्त हो लंबे लंबे श्वास एक एक पैर से दोनों पैरों से करो करते करते तुम्हें पता भी नहीं लगेगा तुम इतनी ऊंचाइयां पालोगे जीवन में ये रोग इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है तो कोई औकात ही नहीं मैंने कहा ये तो दो चार दिन का खेल है एक दो दिन से लेकर एक दो सप्ताह और एक दो माह में सब बीमारियों से तुम मुक्त हो जाओगे ये तो पहला चरण है इसके बाद तुमको अनंत ऐश्वर्य मिलेगा
अनंत ज्ञान मिलेगा, अनंत सुख मिलेगा, शांति समृद्धि सफलता विजय मिलेगी। करते तो अर्धालासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, थोड़ा तो सब कर लो, और जो मोटे मोटे भाई बहन उनको सौ सौ बार करना। पार हुआ जो रहा वो सफर में, पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका गिर गया वो भंवर में, पार हुआ जो रहा जो सफर में, जो भी रुका गिर गया वो भंवर में। नाव तो क्या बह जाए किनारा, ओ नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ गंगा चल चले रे धारा, ओ गंगा चल चले रे धारा, चंदा चल चले रे तारा, तुझको चलना होगा, 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 तुझको चलना होगा। श्री चिरैवेति, चिरैवेति की साधना है ये जीवन पूरा। एक एक पैर से या दोनों पैरों से अर्धालासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन कर लेना से, जिससे जितना बन पाए। सामान्य मध्यम या तीव्र गति से अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करते रहो। अब एक शब्द है निरंतरता। एकम शब्द सद्विप्राह बहुधा वदंती। क्यों कहा जाता है ये? इसलिए कहा जाता है, एक सत्य में ही उसके छोटे छोटे घटकों से सारे सत्यों को हम समझ लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, उनको जी लेते हैं, उनको पा लेते हैं। योग करो। कैसे करो? प्राणायाम ध्यान के साथ करो, श्रद्धा भक्ति के साथ करो, निरंतरता के साथ करो। अब निरंतर आप योग करते रहोगे, अब इसके लिए क्या करना? फिर वही बात है, बस योग ही करना। योग करते करते योग का स्वभाव बन जाएगा। आलस्य करते करते आलस्य का स्वभाव बन जाता है। जो बार बार खाते हैं वो खाने का स्वभाव बन जाता है। जितना खाते हैं उतना खाने का स्वभाव बन जाता है। हम कम खाते हैं तो हमारा कम खाने का स्वभाव बन गया। मेरे ही कुछ मित्र हैं, मेरे ही अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, दो दो तीन तीन किलो चेपते हैं। जो भी लोग मेरे लिए मिठाइयाँ लेकर के आते हैं तो एक एक किलो खा जाते हैं, क्योंकि मैं तो खाता नहीं। तो कहते बाबा जी हमको ही दे दो। मैंने कहा तेरे को दे तो दिया, तू इतना मोटा हो गया है। बात इतनी सी है, जो तुम बार बार खाते पीते जीते हो, ये बहुत बड़ा सत्य है, जिस जरा इसको फिर से गंभीरता से सुन लो। जैसा सोचते हो वैसी ही सोच, फिर एक के बाद दूसरी, ये तो श्रृंखला है। ये फेसबुक वालों ने, ट्विटर वालों ने, यूट्यूब वालों ने मनुष्य की इसी कमजोरी का फायदा उठाया है। तुम जैसा देखते हो वो फेसबुक, वो यूट्यूब, वो ट्विटर, वैसे ही फिर तुम्हें मैसेज देने लगता है, वैसे ही वीडियो अपलोड तुम्हारे सामने आने लगते हैं। और फिर उसके बाद एक के बाद दूसरा, तुमको अश्लीलता देखनी है तो वो देख दिखाने लगता है, तुमको सत्संग भजन सुनना है तो वो सुनाने लगता है, भक्ति गीत सुनने हैं तो वो सुनाने लगता है, भोग के गीत सुनने हैं तो भोग वाले, योग के सुनने हैं तो योग वाले।
तुमको स्वामी रामदेव को देखना है तो स्वामी रामदेव दिखाता है, और दूसरे ढोंगी बाखंडी बाबाओं को देखना है, तांत्रिकों को देखना है और यांत्रिकों को देखना है, न जाने क्या क्या पाखंड करते, उनको देखना है तो वो दिखाने लगता है। ये खाली यूट्यूब की बात नहीं है, ये खाली फेसबुक ट्विटर की बात नहीं है, इंस्टाग्राम की बात नहीं है, ये तुम्हारा चित्त उससे भी हजार लाख करोड़ गुना एडवांस है। जो तुम दिखाते हो वो तो एक समय में एक ही वीडियो तुम्हारे सामने ला सकता, बाकी लाइन में होते हैं। ये एक क्षण में मन तो ऐसा है सारा संसार दिखा देता है, वहां तो एक समय में एक वीडियो आएगा, एक मैसेज आएगा तुम्हारे सामने कोई ना कोई, और तुम्हें फंसाएगा। एक क्षण में 10 करोड़ ऊर्जा तरंगे पैदा होती हैं जैसी तुम्हारी भाव चेतना होती है। ये प्रकृति की ऐसी ही रचना की है परमात्मा ने, इसी को कहते हैं सृष्टि क्रम, सृष्टि व्यवस्था, कर्म फल व्यवस्था, इसी को कहते हैं जीवन चक्र, सृष्टि चक्र, शाश्वत चक्र है, ये चल रहा है। हमारे महात्मा बुद्ध जी ने कहा था, संसद भवन में भी ऊपर यही लिखा है, धर्म चक्र प्रवर्तन आय, धर्म का चक्र चलाओगे तो धर्म का चक्र चलेगा, और अधर्म का चलाओगे तो अधर्म का, पाप का चलाओगे तो पाप का, पुण्य का चलाओगे तो पुण्य का। अर्धलासन करते रहो, देखो मैं भी करते करते ही भूल रहा हूं, ये इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। तुम पॉजिटिव सोचते हो तो हजारों प्रकार के पॉजिटिव विचार एक के बाद, अब मैं सुबह बोलता हूं ना तो मेरे चारों ओर से ऐसे ज्ञान की वृष्टि होती रहती है, मुझे ये बोलूं कि ये बोलूं कि ये बोलूं, उसमें मुझे सेलेक्ट करना पड़ता है। चारों तरफ से इतनी सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है, इतने सकारात्मक विचार आते हैं, इतनी दिव्य संवेदनाएं आती हैं, इतने डिवाइन इंस्पिरेशंस आते हैं, इंट्यूशंस होते हैं, मैं उसमें से कुछ को शब्द दे पाता हूं, स्वर दे पाता हूं, बाकी तो प्रतीक्षा सूची में ही रह जाती है। यदि मैं मौन हो जाऊं तो फिर जब बोलना ना पड़े तो मैं हजारों प्रकार की उन ऊर्जा तरंगों को, दिव्य स्पंदनों को अनुभव कर लेता हूं। खैर, इसलिए एक क्षण भी नकारात्मक नहीं होना, एक क्षण भी। तो ये अगली बात बताई आपको बहुत गहरी, जैसे तुम होते हो, जैसी तुम्हारी भाव चेतना होती है, वैसे ही ऊर्जा तरंगे तुम्हारे भीतर से उमड़ने लगती हैं और बाहर से भी तुम पर बरसने लगती हैं, दोनों तरफ से, दशों दिशाओं से। जैसे तुम होते हो वैसी ही चीजें तुम्हें चारों ओर से तुम्हारा सहयोग करती हैं या असहयोग करते हैं, अब ये सिलेक्शन तुम्हारा है, चयन तुम्हारा होगा, लेकिन इसको तुम नकार नहीं सकते। इसलिए मैंने तो एक बात तय कर रखी है, इच्छा हो या ना हो योग करना ही है, मन करे या ना करे अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही विचार, अच्छी ही भावना, अच्छा ही कर्म करना है, सद्ज्ञान से, सद्गुणों से, सद्भावों से, सत्य से, सत्य पथ से, योग पथ से, वेद पथ से जुड़े ही रहना है, चाहे जो हो जाए, और फिर अच्छा ही होगा। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, ये श्रीमद् भगवद गीता का संदेश है और ये शाश्वत सत्य है। जिसने योग की राह, गुरु और भगवान की राह, सत्य की राह, धर्म की, न्याय की राह पकड़ी है, उसका अकल्याण कैसे हो सकता है? तो मोटे मोटे भाई बहन तो ये अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन करते रहना है। कितनी बार करना है? 100 बार से लेके 1000 बार तक। हंस क्यों रहे तुम? कुछ गलत बोल दिया मैंने? बोले जी बाबा जी गलत तो नहीं बोला, लेकिन ये 1000 बार होगा कैसे? चलो हो जाएगा, करते करते हो जाएगा। जो बार बार करते हैं वही अभ्यास हो जाता, वही स्वभाव हो जाता, वैसे हम रच बस जाते हैं। चलो नेक्स्ट। अब एक तो अभ्यास ही है, पवन मुक्तासन से लेकर के और हलासन तक, सर्वांगासन और चक्रासन और शीर्षासन तक कर लेना।
ये तो सबके लिए इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। जो कमर दर्द वाले हैं थोड़ा मरकट आसन कर लेना आराम से, कमर दर्द वाले भाई बहन ऐसे आराम से कर लेना, कमर दर्द वाले भाई बहन आराम से कर लेना ऐसे। अब चार तरह का योगा प्रोटोकॉल आपको डेली फॉलो करवाते हैं हम। एक सूक्ष्म व्यायाम, योगिक व्यायाम, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, यथाशक्ति जो जितना कर पाए उतना योगिक व्यायाम। दूसरा योगा फॉर ओबेसिटी, तीसरा योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, और चौथा योगा फॉर ऑल। ये चार तरह की प्रैक्टिस हम डेली करवाते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ कर लो। ऐसे आराम आराम से, और करते करते जरा फिर से गौर से मेरी बात सुन लो। आप अपनी अपनी साधना एक मिनट से लेके दस मिनट, एक अभ्यास टोटलिटी में एक घंटा, और एक घंटा में आप योग की क्रियाएं, योग के आसन, प्राणायाम, ये सब मिला करके आपकी साधना बहुत गहरी चलती रहती है। आराम आराम से कर लेना। मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंधासन, कठ्योत्तानासन, ये तो कमर दर्द वाले भाई बहनों को करना है। शेष को अब 10 मिनट आप करते हो एक पवन मुक्तासन। अब मैं 10 मिनट कराता हूँ आपको। 10 मिनट तो चलो ज़्यादा हो जाएगा, पहले दिन कोई नए नए आए उनके लिए, वैसे तो आप घर पे भी कर रहे थे, तो 5 मिनट करवाएंगे। तो 5 मिनट में 500 से 1000 बार आपका कपालभाति हो जाएगा। तो हो गई आपकी शत साधना, सहस्र साधना, 100,000 बार कपालभाति के साथ आपने पवन मुक्तासन कर लिया। उससे डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज, पहली बार एक रोगी आया हुआ है या जिसकी करीब 125 या 150 डायबिटीज है, 100 पार करके, 125 से 150 इंसुलिन है, 125 से 150 इंसुलिन। बोले बाबा जी आपने 25-50-100 तक तो इंसुलिन छोड़ा दी, मेरी भी छूटेगी। मैंने कहा जब तक तेरी छूटेगी नहीं यहाँ से तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरे पास में वो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, मैंने कहा इसका नाम लिखो, गेट पर बोल दो जब तक इसकी शुगर ठीक नहीं हो जाएगी बाहर नहीं निकलेगी अब यहाँ से। तुम्हें रोकना पड़ता है, थामना पड़ता है, ठहराना पड़ता है, कई बार तो धमकाना भी पड़ता है, डराना भी पड़ता है। अब डराता हूँ तुम्हें थोड़ी देर, बिना डराए तुम मानते कहाँ हो। छोटे बच्चों को भी अग्नि से डराने के लिए शुरू शुरू में ए ताता ताता नहीं, अब फिर वो मैंने ना डराओ तो हाथ फूंक लेंगे, और तुमने अपने आप को पूरा फूंक लिया बावड़ो। योग ना करने से संसार के सब रोग होते हैं। थोड़ा और कठोर बोलता हूं, योग ना करने से और कम करने से तुम बीमारियों से तड़फ तड़फ के जी रहे हो और मरोगे। योग नहीं करोगे तो बीमारियों से तड़फ तड़फ के जीवोगे और आगे तुम बोलो मरोगे, और जो योग करेगा वो किसी रोग से नहीं मरेगा। ये बात तो सत्य, और जो योग नहीं करेगा मोटा होगा, मोटी होगी, होगा होगी क्या हो चुकी। जो योग नहीं किया और कम किया तो बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, और फिजिकल के साथ मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम्स होंगे। रोगों से, दुखों से, विकारों से, भोगों से तड़फ तड़फ के जियोगे और मरोगे, यह हालत हो। योग कम करना और योग न करना ही तुम्हारे सब रोगों का कारण है। इसलिए
तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, सुबह सुबह योग करो और दिन भर योग युक्त जीवन जियो। योग पूर्वक अर्थात युक्ति पूर्वक जीवन को जीना, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में संबंधों में व्यापार में समझदारी पूर्वक जिम्मेदारी पूर्वक होश पूर्वक संवेदनशीलता पूर्वक जीना जिंदगी को। जिनको कमर में दर्द है वे मरकटासन एकपाद अथवा द्विपाद अर्ध पवन मुक्तासन एकपाद उत्थानासन एक भाई आया बोले जी मैं तो खाली बस आपको सुनते सुनते ये मकरासन भुजंगासन सलभासन थोड़े थोड़े करता रहा, मरकटासन अर्ध पवन मुक्तासन मेरी कमर का तो कबाड़ा हो चुका था, डॉक्टर ने बोला था जिंदगी भर ठीक नहीं होगी, पेन किलर खाते रहोगे स्टीरॉयड लेते रहोगे तो थोड़ा बहुत मेंटेन होती रहेगी, नहीं तो चारपाई में पड़े रहो बेड रेस्ट करो और फिर सड़ सड़ के मरो। ना भाई ये ठीक नहीं, अपना अपना अभ्यास पूरा करो और जिंदगी एक उत्सव है इसको पूरा जियो। अब देखो कुछ पागल लोग हैं कहते खूब भोगो, भोगने के लिए जिंदगी इतनी पियो कि पीते पीते गिर जाओ, इतना खाओ कि खाते खाते गले तक कंठ तक भराए और उल्टी करने की इच्छा हो तब तक खाओ। एक मथुरा के थे, अब उनके घर में एक बहू आ गई, वो भी उनके टक्कर की थी ससुर जी खाने के लिए गए दावत में, तो चलो लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी कुछ लोग चिढ़ जाएंगे तो बहू बोली ससुर जी अकेले कैसे जा रहे हो, चारपाई भी साथ लेके जाओ, लाड़े के लिए तो उस पे तो लेट के आओगे, इतना खाते कि चल नहीं पाते। बोले नहीं बेटा इसमें एक खाना तो पानी के लिए होता है एक हवा के लिए। बोले हमारे यहां हवा और पानी तो अपने आप ही चला जाता है, यदि उतनी जगह और मिले तो एक और चेप दे। सच में लोग दो दो तीन तीन पांच पांच किलो खाते हैं, पेड़े रसगुल्ले मेरे भाई ऊपर से गोलगप्पे और फिर मतलब ऐसे ऐसी कहानी बना रखे। वो खीर तो बोले ये तो जो है उसकी तरह CBI की तरह, ये तो उसकी तरह है, कौन कौन सी नई नई एजेंसी है ना ये। बोले ये तो इसके लिए कोई परमिट की जरूरत नहीं है, तो बस वैसे ही घर में घुस जाती है। इतना खाते हैं रे राम 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 राम, तुमने भोग का अतिरेक कर रखा है, योग का अतिरेक करके देखो, योग की पराकाष्ठा करके देखो। पवन मुक्तासन आज ही करो, फैटी लिवर वाले, लिवर सिरोसिस वाले, टाइप 1 डायबिटीज वाले, कॉन्स्टिपेशन वाले, कोलाइटिस वाले, जिनको भी बड़ी प्रॉब्लम है, एक एक अभ्यास 10-10 मिनट करो। एक हजार बार कपाल भाती करना है तुम्हें पवन मुक्तासन में, सहस्र साधन योग, और हजार बार करते करते मन में चिंतन करना मैं रोग मुक्त हूं, दुख दारिद्र से मुक्त हूं, सब भोगों से विकारों से मुक्त हूं। मैं कह रहा था योगासन प्राणायाम ध्यान एक साथ करना, निरंतरता के साथ करना, एकाग्रता प्रसन्नता के साथ एक अनुष्ठान की तरह करना, गुणातीत तो होकर के भावातीत तो होकर के करना, तो तुम इस ब्रह्मांड की अदृष्ट ऊर्जा के संपर्क में आ जाते हो।
भोगों का अतिवाद तो तुमने देखा है, योग का अतिवाद भी तो मेरे साथ एक बार अनुभव तो करो। न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयम् शरीरम्। योग का ऐश्वर्य तो अनुभव करो। हमारे पूज्य स्वामी अभेदानंद जी ने ऐसे तो बहुत से योग गीत लिखे हुए, उसमें से एक गीत सुना, संसार के तो बहुत सारे ऐश्वर्यों को देखा है, योग से बड़ा कोई ऐश्वर्य नहीं। न योगात परम धनम, न योगात परम बलम, न योगात परम आरोग्यम, न योगात। योग से बड़ा कोई बल नहीं, ज्ञान नहीं, समाधान नहीं। करते करते पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठनासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, शीर्षासन, जिसको जो करना है। मोटापा वाले भाई बहन अपने मोटापा वाला करते रहना, शेष सब ये करो और निरंतरता पूर्वक करो। फिर देखो आज अभी इसी क्षण रूपांतरण घटित होगा। मैं 5 शब्द बोलता हूँ ना, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुवनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अल्टीमेटली यू आर गेटिंग रीबर्थ, divine birth through yoga, divine knowledge, divine emotions, divine action, life divine you are achieving through yoga। करते रहो, करते रहना, पूरे एकाग्र चित्त होके, प्रसन्न चित्त होकर के, गुणातीत भावातीत होकर। विश्व में शांति रहेगी योग से, विश्व में शांति रहेगी योग से, विश्व में शांति रहेगी योग से, मन की भी ज्योति जगेगी योग से, मन की भी ज्योति जगेगी योग से, विश्व में शांति रहेगी योग से, विश्व में शांति रहेगी योग से। स्वास्थ्य मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, सफलता मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, जीवन मुक्ति मिलेगी, जीवन का निर्माण, जीवन का निर्वाण भी होगा योग से। आपका अभ्यास जब बढ़ जाएगा, आपका अभ्यास जब बढ़ जाएगा, ध्यान की शक्ति बढ़ेगी योग से, ध्यान की शक्ति बढ़ेगी योग से, मन की भी ज्योति जगेगी योग से, मन की भी ज्योति जगेगी योग से, विश्व में शांति रहेगी योग से, विश्व में शांति रहेगी योग से। अपना अपना निर्धारित योग अभ्यास पूरी एकाग्रता से, निरंतरता से, एक अनुष्ठान की तरह योग के तप में तप करके जीवन कुंदन बन जाएगा।
जीवन उत्सव बन जाएगा, देह दीवाल शिवालय बन जाएगा। करो तो धीरे धीरे रोग भी मिट जाएंगे, धीरे धीरे कष्ट भी मिट जाएंगे, विकल्प रहित संकल्प बढ़ेगी योग से, विकल्प रहित संकल्प बढ़ेगी योग से, मन की भी ज्योति जगेगी योग से, मन की भी ज्योति जगेगी योग से, विश्व में शांति रहेगी योग से, विश्व में शांति रहेगी योग से। जो ग्रहों की चाल को भी दे बदल, जो ग्रहों की चाल को भी दे बदल, ऐसी शक्ति भी जगेगी योग से, ऐसी शक्ति भी बनेगी योग से, मन की भी ज्योति जगेगी योग से, मन की भी ज्योति जगेगी योग से, विश्व में शांति रहेगी 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 योग से। दोनों तरफ से उठाओ शरीर को, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादंगुष्ठनासन, स्पर्शासन, एक एक मिनट तो करना शुरू करो, धीरे धीरे दो दो मिनट, पांच पांच मिनट, दस दस मिनट करके तुम्हारा सामर्थ्य बढ़ता जाए। लंबे लंबे श्वासों के साथ हाथ पैर पेट पीठ पूरे शरीर का संतुलन नियंत्रण अनुशासन, शरीर का इंद्रियों का मन का विचारों का भावों का संवेदनाओं का संतुलन, तुम कठिन अभ्यास नहीं कर पाते तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतु बंधासन, जो जितना कर पाते हो उतना ही कर लो। सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, जो जितना कर पाए उतना उतना कर ले। Thank you.